हेलो 11th क्लास, मैं अभिषेक सर, जेपीएस एजुकेटर दिल्ली। तो आज 11th क्लास के जो भी सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, मैं उसका डेरिवेशन अपलोड करने जा रहा हूं। और बहुत सारे स्कूल में ये सर्कल के डेरिवेशन को पूछा भी जा रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को आराम से रोको, देखो और बार बार इसको प्रैक्टिस करो। ये फॉर्मूले आए कहां से, और इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें कहां सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू। सबसे पहली बात, कुछ बेसिक चीजें जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सर्कल है क्या? तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ बच्चे, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट, जो कि हमारा इक्वल डिस्टेंस होगा। कहां से? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जब इक्विडिस्टेंस होगा किसी प्लेन पे, वो सारे के सारे सेट जो होंगे वो हमारे सर्कल कहलाएंगे। सेंटर क्या होता है? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या है हमारा? द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और थोड़ा सा मैंने एक फिगर बनाया, ये ओ हमारा सेंटर है, और ओ से ये सारे के सारे जो पॉइंट फिक्स है हमारे, ये P1, P2, P3, P4, P5, जितने पॉइंट चाहो ले पाओ, सारे के सारे आपस में क्या होंगे? ओ से P1, ओ से P2, ओ से P3, सपोज यहां मैं D नाम दे दूं, ओ से D, ओ से X, ओ से Y, सब आपस में इक्वल होगा और ये आपस में रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग सर्कल के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो सर्कल का फॉर्मूला सबसे पहला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे आता है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला नंबर वन, एक एक फॉर्मूले को मैं डिस्कस करूंगा जितने भी सर्कल के अंदर हैं। तो फॉर्मूला नंबर वन मैं क्या बताने जा रहा हूं हमारा ऐसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या इसके अंदर करने जा रहे हैं हम लोग, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ओरिजिन एज सेंटर, जिसका सेंटर मैं क्या मान के चल रहा हूं, ओरिजिन मान रहा हूं, मेरी बात को सुनना ध्यान से, एंड आर जो है वो इसका रेडियस है। तो क्या होगा सर्कल का फॉर्मूला, ध्यान से देखो। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, क्या हमारा फॉर्मूला होगा, देखिए ध्यान से। सपोज मैं एक सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमारा है, और मैं सेंटर ओरिजिन को मानते हुए एक मैंने सर्कल फॉर्म किया, और इस सर्कल पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं पी एक्स कॉमा वाई, ये हमारा ओ है जो कि हमारा सेंटर है, ठीक है, ये आपको पता है, ये वाई होता है हमारा, ये वाई डैश है हमारा, ये एक्स है हमारा, और ये एक्स डैश है। ध्यान से देखना, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ हमारा सेंटर है किसका, सर्कल का, आर इसका रेडियस है, आर हमारा इसका रेडियस है। मैं ऐसा करता हूं, पी जो ये मैंने पॉइंट लिखा है ना, लेट पी एक्स कॉमा वाई, मैंने एक पॉइंट मान लिया, एनी पॉइंट, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। पी मैंने कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है ना, कहां मान लिया, सर्कमफरेंस, सर्कल का सर्कमफरेंस है हमारा, सर्कमफरेंस पे कहीं भी मैंने एक पॉइंट पी लेट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, और ये अगर पॉइंट हमारा एक्स और वाई के बीच है तो मैं मान लेता हूं इसका कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो एक्स एंड वाई है, एंड इट्स कोऑर्डिनेट बी एक्स एंड वाई। मेरी बात को सुनो ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने सेंटर के सर्कल के सर्कमफरेंस पे कोई एक पॉइंट पी एक्स और वाई लेट किया, और कोई नया काम नहीं किया है। और इसके बाद मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं, मैं पी से एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं और ओ और पी को मिला दे रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं इसको, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, एंड किसको ज्वाइन किया भाई, ज्वाइन कर लिया ओपी को, ज्वाइन ओपी। इसके बाद आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर ये परपेंडिकुलर है मीन्स यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहां मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ, 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस होगा मीन्स सबसे बड़ा साइड होगा, तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल
इंट्रेंगल ओपीएम, मेरी बात को सुनो ध्यान से, इंट्रेंगल ओपीएम मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है भाई, ओएम के स्क्वायर और एमपी के स्क्वायर के, ओएम के स्क्वायर और एमपी के स्क्वायर के। ओपी, ओपी क्या है हमारा, ओपी हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, ओपी हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये हो गया हमारा आर का स्क्वायर इज ओएम। ओएम क्या, नॉर्मल सी बात, अगर मैंने यहाँ पॉइंट माना एक्स और वाई, इसका मतलब ओएम हमारा एक्स है, मेरी बात को समझिए ध्यान से, अगर मैंने ये पॉइंट एक्स लिया है इसका मीन्स ओएम हमारा एक्स है, और अगर मैंने वाई लिया है इसका मीन्स पीएम हमारा वाई है, तो ओएम हमारा एक्स है तो मैं ओएम में लिखा है एक्स, एंड एमपी या पीएम एक ही बात है, ये वाई है। क्या इक्वेशन मिल गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको आप बोल सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है हमारा जीरो जीरो और रेडियस हमारा आर यूनिट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल के दूसरे फॉर्मूले का डेरिवेशन देख रहा हूँ, फिलहाल इसको आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर, जेपीएस एजुकेटर दिल्ली। अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सर्कल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं डिस्कस किया, जो मैं आप लोग को प्रूव करके दिखाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैं जो दूसरा फॉर्म पढ़ने जा रहा हूँ इसका नाम है हमारा सेंट्रल फॉर्म, और इसी फॉर्म से मैं इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी निकाल सकता हूँ एंड इसके जनरल इक्वेशन को भी निकाल सकता हूँ, इस फॉर्म से मैं दोनों निकाल सकता हूँ। अभी आपने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे आया, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन दोनों में सेंट्रल फॉर्म से दिखाता हूं। तो टॉपिक का नाम है टू फाइंड, ये ऐसा टॉपिक है कि 11th क्लास के बहुत सारे स्कूल में इसका डेरिवेशन भी आ जाता है करने को। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, जिसका कि सेंटर और रेडियस दोनों ही हमारे पास दिया हुआ हो, हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा टाइप है ये, और इससे मैं सर्कल के जो दोनों इक्वेशन है वो कैसे आते हैं इसी से मैं देख सकता हूं। सबसे पहली बात, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ये सर्कल मैंने फॉर्म किया, और ये सेंटर, इसका सेंटर मैं मान लेता हूं जी एच कॉमा के, सेंटर मैंने क्या लेट कर लिया एच कॉमा के, और ये सी से पी हमारा रेडियस है, और P मैंने पहले की तरह एक पॉइंट ले लिया x, y। इससे पहले वाले मैंने क्या देखा, सेंटर मैंने 0, 0 लिया था, बट मैं यहाँ 0, 0 नहीं ले रहा हूँ, एच कॉमा के ले रहा हूँ, और जब मैं इसमें 0, 0 लूंगा तो पुराना वाला, इससे पहले वाला जो मैंने इक्वेशन प्रूव किया वो हमारा आना चाहिए। तो चलो कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में, लेट एच कॉमा के, लेट एच कॉमा के बी द सेंटर, बी द सेंटर जिसका नाम कि हमने सी दिया है, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल एंड आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, और यहां रेडियस क्या देख रहे हो हमारा किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है, आर बी द रेडियस दैट इज सीपी। तो ये क्लियर है, सीपी हमारा आर है, एंड वेर पॉइंट पी इज एनी पॉइंट, वेर पी इज एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द सर्कल, मैंने कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर, या कह सकते हो आप उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर, मैंने पहले की तरह एक पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया, ये तो क्लियर है, सीपी हमारा आर के इक्वल है क्योंकि रेडियस है हमारा। और सीपी को अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं रूट के अंदर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा भाई, ये r, इस ये r के इक्वल है, किसके इक्वल है, ये r के इक्वल है हमारा। और अगर मैं कहां से आया, वापस मैं बता दे रहा हूं कहां से आया, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको लाया अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या होगा इसके बाद, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या होगा हमारा, रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हुआ थी, ऐसा हो गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर था हमारे पास, और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं, अगर मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूं, मैं मान लेता हूं यहां
अगर मेरे पास एच को मैं जीरो एंड के को मैं जीरो पुट कर दूं, तो एच को जीरो एंड के को अगर मैं जीरो पुट कर दूं, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। इट मीन्स यहां से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि हमने पहले भी प्रूव करके निकाला। वापस ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर केस की बात है, जब मैं एच और के में जीरो पुट कर रहा हूं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाता है, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वापस मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं जो अभी मैंने क्वेश्चन लाया। क्या लाया मैं अभी इक्वेशन, अगेन फिर से मैं करने जा रहा हूं, अगेन मैं लिख रहा हूं, अभी हमारे पास इक्वेशन आया था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आया था। तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहां बेटा आइडेंटिटी यूज करता हूं, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वापस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना है, इस इक्वेशन से हम लोग जनरल इक्वेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर मैं यहां पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, तो मैं यहां पुट कर देता हूं माइनस एच जो है वो जी के इक्वल एंड माइनस एच जो है वो जी के इक्वल एंड माइनस के जो है वो एफ के इक्वल। साथ ही साथ मैं ऐसा पुट कर दूं, ये मेरे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसको सी के इक्वल। देखो ये ध्यान से क्या किया है, छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच, तो माइनस एच माइनस एच माइनस एच को मैंने जी पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं रहने दिया, और टू वाई के माइनस के को मैंने पुट किया एफ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस टू एफ वाई। बचा क्या क्या मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट वाले आर स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, माइनस आर स्क्वायर इज जीरो। और यहां मैंने क्या पुट करने को बोला है, यहां मैंने बोला है पुट करने को सी। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा अरेंज करता हूं, वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, और इसको मैंने सी नाम दिया, सो सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया सर्कल का, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इससे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल के दिखाया, ये हमारा कैसा इक्वेशन भाई, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारा जनरल इक्वेशन है किसका, सर्कल का। अब सेंटर, सेंटर हमारा क्या था यहाँ पर, मेरी बात को सुनना ध्यान से, एच कॉमा के, और मैंने रिप्लेस किया है एच, एच को मैं किसके इक्वल रखूंगा, तो एच हमारा हो जाएगा माइनस जी के इक्वल और के हमारा हो जाएगा माइनस एफ के इक्वल। सो सेंटर हो गया हमारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आ जाओ अब रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस, रेडियस के लिए सबसे पहली बात मैंने क्या लेट किया है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैंने क्या लेट किया था, सी लेट किया था। यहां से मैं आर स्क्वायर निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, और एच, एच आपने किसको लेट किया था अभी, तो एच आपने लेट किया था माइनस जी को, या ऐसा बोल सकते हैं माइनस एच मैंने लेट किया था, माइनस एच मैंने लेट किया था जी को, एक ही बात है ना, माइनस के साइन को मैं लेफ्ट से राइट कर दूंगा। तो एच स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर इज प्लस जी का स्क्वायर, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो जनरल इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन का रेडियस हो गया हमारा, जनरल इक्वेशन का रेडियस हो गया हमारा, जनरल इक्वेशन का रेडियस हो गया जी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एंड जनरल इक्वेशन का सेंटर हो गया हमारा माइनस जी कॉमा एफ। तो ये हमारा डेरिवेशन था सर्कल के जनरल इक्वेशन का भी और स्टैंडर्ड इक्वेशन का भी। अगले वीडियो में सर्कल का एक और फॉर्मूला है जो मैं अपलोड कर रहा हूं, फिलहाल इसको वीडियो को देखो, रोको और बार बार प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन पेपर में पूछा ही पूछा जाता है 11th क्लास। अदरवाइज वैसे बच्चे जो कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं यहां से डेवलप करें। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर गिवन। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जब डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है। पहले मैं डायग्राम बता रहा हूँ, फिगर बता रहा हूँ, समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लिया जाए मेरे पास ये एक सर्कल है, मेरे पास एक ये सर्कल है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए ये हमारा डायमीटर है, सेंटर से होके पास हो रहा है ये, और सपोज ये पॉइंट हमारे पास एक्स वन कॉमा वाई वन है,
और ये पॉइंट है जी हमारे पास x2, y2, दो पॉइंट हमारे पास x1, y1 एंड x2, y2। अच्छा अगर ये बताओ, अगर मैं ऐसा डायग्राम यहां बना रहा हूं तो आप सबको पता है कि ये एंगल जो फॉर्म होगा यहां पर 90 डिग्री का फॉर्म होगा। मैं रीजन दे रहा हूं अभी ऐसा क्यों, आप 9th क्लास में वैसे पढ़ चुके हो, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को। तो आ जाओ मैं इसका प्रूफ देता हूं कैसे इस फॉर्मूले को लाया जाए, क्या ऐसे फॉर्मूला बनेगा हमारा ध्यान से। तो ऐसा है कि मान लेता हूं मैं कि दो पॉइंट है हमारे पास, दो पॉइंट है तो लेट एक पॉइंट ए हमारे कैपिटल ए x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट बी है हमारे पास लेट कैपिटल ए ब्रैकेट में x1, y1 एंड कैपिटल बी ब्रैकेट में x2, y2 बी द पॉइंट। ये पॉइंट्स हमने लेट कर लिया, बी द पॉइंट्स कहां पॉइंट्स है दिख रहा है आपको सर्कल के ऊपर, ये पॉइंट है डायमीटर के दो पॉइंट है। अगर मैं लेट कर लेता हूं लेट पी ब्रैकेट में x, y बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और इसका नाम ऐसा दे दो भाई पी x, y बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर मैंने कोई भी ये पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल लेट कर लिया। ऐसा बहुत ही आसान है, डरने की जरूरत नहीं है इनके डेरिवेशन से। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एपी और एपी एंड बीपी को ज्वाइन कर लिया, एपी एंड बीपी को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेट एंगल पीएबी कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, ये किसके अंदर हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहां पर, बीइंग इन अ सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल के अंदर एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, बीइंग इन अ सेमी सर्कल, और हमेशा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री या वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, आपको पता है ये चीज। अगर 90 डिग्री है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एपी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है पीबी पर या बीपी पर, एपी हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा काम करता हूं मैं एपी का स्लोप निकाल लेता हूं, एपी का स्लोप निकालता हूं, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा हुआ है ना, अगर दो पॉइंट से स्लोप निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, y2 - y1 / x2 - x1, कैसे निकलता है स्लोप भाई हमारा, स्लोप अगर टू पॉइंट फॉर्म से निकालना होता है तो क्या निकालते हैं हम लोग, y2 - y1 / x2 - x1। तो मैं स्लोप ऑफ एपी निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ एपी, अगर मैं स्लोप ऑफ एपी निकाला, एपी आ जाओ वापस, एपी ये x1 y1 ये x2 y2, सो y2 इज y, तो क्या हो जाएगा y - y1 / x - x1, y - y1 / x - x1, स्लोप ऑफ एपी क्या हो जाएगा जी हमारा, ये हो जाएगा हमारा y - y1 / x - x1। इसी तरीके से मैं बीपी का स्लोप निकालने जा रहा हूं, मैं बीपी का स्लोप निकालने जा रहा हूं भाई, तो वीडियो को बार बार आप रोको और सर्कल वाले डायग्राम को देखो बीपी का स्लोप क्या होगा। तो बीपी का स्लोप भी वैसा ही हो जाएगा हमारा y - y2 / x - x2, तो बीपी ऑफ का स्लोप भी हो गया y - y2 / x - x2। अब ये क्लियर है कि अभी हम लोगों ने ये देखा था रैंकिंग की वजह से हमारा ये एपी जो है वो बीपी के परपेंडिकुलर था, सिंस एपी परपेंडिकुलर किसके है भाई, बीपी के। और अगर कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा, यानी स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ बीपी जो होगा, एपी और बीपी का स्लोप जो है वो -1 के इक्वल होगा, एपी और बीपी का स्लोप जो है वो -1 के इक्वल होगा। आ जाओ भाई, तो क्या है हमारे पास स्लोप एपी का, y - y1 / x - x1 इंटू y - y2 / x - x2, किसके इक्वल हो गया ये 1 के। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो मैं वापस लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, क्या आया इक्वेशन हमारे पास, तो इक्वेशन आ गया हमारे पास जी, जब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन मैंने -1 के इक्वल किया तो इक्वेशन आ गया था हमारे पास y - y1 / x - x1 इंटू y - y2 / x - x2 इज इक्वल टू -1। और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को ऊपर से y - y1 / y - y2, और ये इधर -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा x - x1 / x - x2। और सारे राइट हैंड साइड वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ला के आप ऐसा बोल सकते हो x - x1 / x - x2 + y - y1 / y - y2 = 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, विच इज द
इक्वेशन ऑफ सर्कल, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कब, जब हमारा डायमीटर वाला केस हो, डायमीटर वाला केस हो, हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करें। जब भी हमारा डायमीटर वाला केस होगा तो हम लोग को फॉर्मूला क्या यूज करना है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, टाइम टू टाइम अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। फिलहाल मैंने सर्कल के सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन को अपलोड कर दिया। थैंक यू, थैंक यू।